आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं कैनन M50। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नोफल साकिब, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइडियल खान व्लॉगर। सो यूज एक और नई वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से एक दफ़ा अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हुआ था तकरीबन दो साल की मेहनत के बाद मेरा जो ड्रीम है वो पूरा हुआ था। और मैं कल लेने के लिए गया था, मतलब ऑब्वियसली अब मैं तकरीबन आधा घंटा हुआ है मुझे उस वीडियो को एंड किए हुए, और अभी से मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे एक्साइटमेंट ख़त्म ही नहीं हो रही। तो एक्साइटमेंट के वजह से अब मैं फ़ौरन ही उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूँ। तो जल्दी से उसको अनबॉक्स करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं कैनन M50। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिले। बिना किसी देरी के जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, इसका रिव्यू भी बनाऊंगा मैं। अनबॉक्सिंग फिलहाल इस वीडियो में करेंगे हम लोग, रिव्यू इसके बाद आएगा, उसके बाद ब्लॉगिंग सेटअप और सारा जो सीरीज़ होगी वो इंशाल्लाह मैं बना दूंगा। और आप लोग किसी तरह की भी डिमांडेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है कैनन की तरफ से, बट अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी ईमेल आईडी है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। बिना किसी देरी के जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, तो चलिए चलते हैं। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग जो है वो कैमरा को जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ पैकेज है, लास्ट वाली वीडियो में मैंने दिखाया भी था कि मैं जो हूँ वो जरीर बुक स्टोर से जो है ये कैमरा लेके आया था, और कहीं पे नहीं मिल रहा था, बट एक हम लोग पहले भी एक जगह पे गए थे बट उधर नहीं मिल रहा था, तो हम लोग फिर दूसरी ब्रांच पे गए तो उधर जाके बहुत मुश्किलों से मिला था। मैं ये दो तीन शॉप्स के ऊपर जो है वो सर्च किया था बट मुझे जो है वो उधर से नहीं मिल रहा था। फिलहाल जल्दी से इसको अब मैं ओपन करके देख चुका हूँ, बिकॉज़ इतनी महंगी चीज़ है तो इस वजह से मैंने ओपन करके पहले देख ली है ताकि कोई मसला वगैरह ना हो, क्योंकि जब मैं परचेज़ कर रहा था तो इसके ऊपर जो है वो कोई सील नहीं थी। अब इसको मैंने ओपन करके देख लिया है तो इसके अंदर कुछ सेटिंग्स वगैरह इधर उधर होंगी तो वो आप लोगों ने माइंड नहीं करना। फिलहाल जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, बट हम लोग बॉक्स के ऊपर की तरफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देख लें तो इस तरफ हमें EF M15 45 mm के जो है वो किट लेंस मिलता है, जो कि वाइड एंगल लेंस है, 15-45 mm लेंस मिलता है। इधर हमें EOS M50 की ब्रांडिंग मिल जाती है, इस तरफ हमें कुछ फिगर बनी हुई मिल जाती है, और इसके अंदर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फोटोग्राफी कोर्स भी मिल जाता है जो कि कैनन की तरफ से आता है। ऊपर की तरफ हमें कैनन की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस तरफ अगर देखते चलें तो हम लोगों को इसमें ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में जो है वो हमें मेंशन किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो है वो 24 मेगापिक्सल का इसका जो कैमरा है वो है, उसके बाद डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है, उसके बाद APS है, 4K में रिकॉर्डिंग कर सकता है ये। उसके बाद अगर देखते चलें तो इसके अंदर वर्चुअल एंगल LCD है, और उसके बाद इसके अंदर वाईफाई, NFC और ब्लूटूथ की भी ऑप्शन हमें मिल जाती है, जिसकी वजह से आप ऑन द गो आप वीडियोस को अपने मोबाइल या लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर कैनन की हमें वारंटी भी देखने को मिल जाती है। इस तरफ हमें दोबारा से एक दफ़ा ब्रांडिंग मिलती है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 15-45 mm का आप लोगों को STM लेंस मिलता है। अब आगे चलने में से पहले मैं आप लोगों को वीडियो में बताता चलूं कि इसके अंदर जो STM लेंस है सिर्फ वही लगेंगे जो कि मेंशनड है इधर। आप अगर रेगुलर कैनन के जो है वो लेंसेज यूज़ करना चाहते हैं जो कि 200D 80D में आते हैं, वो आप लोग अगर इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अडॉप्टर चाहिए होता है, बट अभी फ़िलहाल मैं इसी के अंदर काम चलाऊँगा तो इस वजह से वो मैंने परचेज़ नहीं की। साइड की तरफ आप लोगों को अगर देखते चलें तो इसके अंदर जो है वो हमें कॉन्टेंट्स की जो है लिस्ट मिल जाती है, जिसके अंदर डिजिटल कैमरा है जो कि M50 है, जूम लेंस 15-45 mm का है, नेक्स्ट स्ट्रैप मिल जाता है, बैटरी चार्जर, बैटरी पैक मिल जाता है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश वाले जो लिखा हुआ है मैंने आप लोगों को पढ़ के बता दिया है। अगर हम लोग बॉक्स की इस तरफ देखते चलें तो इस तरफ भी हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस मिल जाती है, जो कि अब हम लोग बिना किसी देरी के बॉक्स को ओपन करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बॉक्स को हम लोग सबसे पहले ये जो है इसका लिड ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने के साथ ये हमें एक 16 GB का इसमें सैनडिस्क का जो है वो स्पीड इसकी 80 है, और ये अल्ट्रा का जो है वो ऑप्शन मिलती है, अल्ट्रा SD कार्ड मिल जाता है जो कि साथ इसके फ्री आया है। उसके बाद हम लोग बॉक्स में देखते चले तो इसमें हम लोगों को एक वारंटी कार्ड भी मिलता है,
वारंटी कार्ड मिलता है जो कि एक साल की वारंटी ये लोग देते हैं, बट मुझे जो जरीर बुक स्टोर वालों ने बोला है, उन्होंने कहा है कि 2 साल की वारंटी है, मतलब 1 साल कैनन की तरफ से आप लोगों को मिलेंगे और 1 साल जरीर बुक स्टोर जो है वो आप लोगों को वारंटी देगा इसकी। ये चीज़ें साइड पर रखते चलते हैं, तो इसके अंदर हमें एक और जो है मिलता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री जो फोटोग्राफी कोर्स है उसके बारे में जो है वो आप लोगों को पेपर्स मिल जाते हैं। बैक की तरफ कुछ नहीं है, साइड पर रखते हैं इसको हम लोग, उसके बाद देखते चलें। तो हमें ये कुछ एक और कार्ड मिलता आता है जो कि 1 ईयर एडिशनल वारंटी, मतलब जो जरीर वालों ने कहा था वो सही कहा था, 1 ईयर की एडिशनल वारंटी और 1 ईयर की इसके साथ ही आती है, तो इस बॉक्स के अंदर ये हमें कार्ड मिला है। उसके बाद अगर हम लोग देखते चलें तो हम लोगों को ये यूज़र गाइड मिलती है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी है, तो ये किसी को पढ़ने की ज़रूरत कोई पड़ता भी नहीं है। ये बिल है, इसको मैं साइड पे रखता हूँ। बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर जो है हमें इसका चार्जर मिल जाता है, और मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ एक दफ़ा चार्जर को। ये प्लग है जो कि आप लोग चार्जर के साथ लगा सकते हैं, इस तरह का कुछ प्लग मिलता है आप लोगों को और अच्छी क्वालिटी का है। फिलहाल इसको साइड पे रखते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमें और बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट्स मिलते हैं। अब हम लोग अगर ऊपर वाला लेडीज़ का ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो है आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हम लोग इधर से साइड से शुरू करते हैं, तो इसमें हम लोगों को एक कैनन का स्ट्रैप मिलता है। अब आप लोगों को जो है वीडियो के अंदर ये जो कैनन का स्ट्रैप है ये बहुत जो है वो बड़ा दिख रहा होगा, बट अगर मैं आप लोगों को अपने जो पाम है उसके ऊपर अगर रखते के दिखाऊं तो ये बहुत ही छोटा है, क्योंकि मैंने भी ये वीडियोज़ देख के ही परचेज़ किया है, तो वीडियोज़ में मुझे भी बड़ा दिखता था ये स्ट्रैप, बट ये जो है बहुत ही छोटा सा स्ट्रैप है, सिर्फ इतना सा स्ट्रैप है। इसके बाद इसको रखते हैं हम लोग साइड में। तो नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे की तरफ हमें इसके अंदर ये बैटरी का चार्जर मिल जाता है जिसके साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं उस पावर प्लग को। इसको खोल लेते हैं, जल्दी से ओपन कर लेते हैं। ये हमें कुछ चार्जर मिल जाता है, बैटरी चार्जर है ये, इस तरफ हम लोगों को चार्ज की मिलती है, और अगर मतलब चार्ज करना हो तो चार्ज हो रही है तो ये जो लाइट है वो ऑन होगी, और अगर फुल हो जाएगी तो ये ऑन होगी। इसके ऊपर की तरफ हम लोगों को कैनन की ब्रांडिंग मिल जाती है, और पीछे की तरफ कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि चार्जर की स्पेसिफिकेशंस है। तो फिलहाल इसको जल्दी से रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर और इस तरफ एक कंपार्टमेंट है, इसको हम लोग निकालते हैं तो इसमें हम लोगों को लेंस मिलता है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। एक और चीज़ है, ये है बैटरी हमारी, और बैटरी को भी हम लोग जल्दी से ओपन कर लेते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जल्दी से कि ये बैटरी किस तरह की है। अब बैटरी की तरफ देखते चलें तो हम लोगों को कैनन की ब्रांडिंग मिल जाती है, और इस तरफ बैटरी पैक है जो कि LPE12 के नाम से है, और जो कि 7.2 वोल्ट और 875 मिली एम्पेयर्स की जो है लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है, जिसके साथ आप लोगों को ये प्रोटेक्शन भी मिलती है। ठीक है, पीछे की तरफ भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सीधा आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग बिना किसी देरी के लेंस की तरफ देख लेते हैं, और लेंस को हम लोग जल्दी से ओपन कर लेते हैं जो कि इस बॉक्स के प्रोटेक्शन के साथ आता है, ताकि ये बॉक्स के अंदर मूव ना हो लेफ्ट राइट। तो बॉक्स को थोड़ा सा हम लोग रखते हैं साइड में, फिलहाल जल्दी से जो है इस लेंस को जो है हम लोग निकाल लेते हैं। शॉपर्स को हम लोग मैं साइड पर रखता जाता हूँ, और लेंस हम लोग देख लेते हैं कि लेंस हमें किस तरह का मिलता है। अब लेंस के ऊपर की तरफ देखते चलें तो हम लोगों को इधर कैनन की जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी ब्रांडिंग मिलती है, ये देख सकते हैं आप लोग। और अगर हम लोग कैनन की तरफ ब्रांडिंग ये लेंस की तरफ देखते चलें तो इसमें हम लोगों को, जैसा कि हम लोगों को बॉक्स के ऊपर शोन था कि 15-45 mm आप लोग इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब इस तरफ अगर देखते चलें तो ये जो है हमारा ये लॉक है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये सिर्फ इसी कैमरा के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया था कैनन ने, जो कि लॉक है, आप लोग इसको ओपन वगैरह नहीं कर सकते। इस तरफ भी हम लोगों को ये कैमरा कैप मिल जाती है, और ये कुछ हम लोगों को लेंस मिल जाता है जो कि इस तरह का दिखता है। इसके ऊपर भी जो है वो ब्रांडिंग है, कैनन जूम लेंस 15-45 mm का लेंस है। अब फिलहाल जल्दी से इसको रखते हैं हम लोग साइड में और देखते हैं हम लोग कैमरा बॉडी की तरफ। ये गया साइड में और इसको हम लोग देखते हैं अब जल्दी से कैमरा बॉडी की तरफ, और लास्ट ही कॉन्टेंट है जो कि कैमरा बॉडी है। आई थिंक सो, यप, लास्ट कॉन्टेंट था जो कि कैमरा बॉडी है। फिलहाल जल्दी से इसको साइड में रखते हैं और ओपन करते हैं कैमरा की बॉडी को। अब फिर से एक डिस्क्लेमर मैं देता चलूँ कि मैंने भी ये जो कैमरा है ये वीडियोस को ही देख के जो है वो परचेज़ किया है, तो जब मैं उधर शॉप पे गया था परचेज़ करने के लिए
तो मुझे ये कैमरा वीडियोस के अंदर बहुत बड़ा दिखता था, बट जो उधर शॉप के अंदर पड़ा हुआ था वो बहुत छोटा था, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा ये कोई और कैमरा है, बट ओरिजिनली ये वीडियो के अंदर जो है वो बहुत जो है वो बड़ा दिखता है, बट ओरिजिनल में ये इतना सा है सिर्फ। आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे पाम के बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर ही है। अब हम लोग अगर कैमरा की बात करते चलें तो एज़ यूजुअल मैं भी नया हूँ कैमरा के बारे में, मेरा फ़र्स्ट कैमरा है ये, तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा जितना मुझे पता होगा वो मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। तो फर्स्ट पे हम लोगों को ये कैमरा की कैप मिल जाती है, जिसको आप लोगों इस तरफ लेफ्ट के साइड पे रोटेट करके जो है वो ओपन कर सकते हैं। हमें ये आप लोग देख सकते हैं क्रॉप सेंसर है हमारा, इसको हम लोग दोबारा से जल्दी से कवर कर लेते हैं। इस तरफ आप लोगों को EOS की ब्रांडिंग मिल जाती है, इस तरफ आप लोगों को एक LED लाइट मिल जाती है, जो कि आप लोग अगर जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये रेड कलर की लाइट जलेगी। अब इस बटन को आप लोग अगर देखते चलें तो ये बटन इसलिए है कि जब आप लोग लेंस को लॉक करेंगे, लगा देंगे, तो लेंस को जब उतारना होगा तो आप लोग ये बटन दबा के उतारेंगे। कैमरे की लेफ्ट साइड पर अगर हम लोग देखते चलें तो लेफ़्ट साइड पर हम लोगों को एक जो है वो माइक का जैक मिलता है, जिसको आप लोग इस तरह करके जो है वो ओपन कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक सेकेंड ये उतार के दिखाता हूँ। और इधर जो है आप लोगों का माइक्रोफोन जैक मिल जाता है, जो कि इस कैमरे की की पॉइंट है, जिसकी वजह से मैंने ये परचेज़ किया है, ताकि हम मैं एक्सटर्नल माइक जो है वो लगा सकूँ। और इसके अंदर है हमें NFC का जो है वो भी वो निशान मिल जाता है। उसके बाद अगर हम लोग कैमरे की तरफ की राइट साइड पर देखते चलें तो राइट साइड पे हमें जो है वो HDMI का जो है वो पोर्ट मिल जाता है, जो कि हम लोग अभी जल्दी से ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और अगर इस तरफ बात करते चलें तो ये हमारा HDMI माइक्रो USB का पोर्ट है, और नीचे की तरफ भी हमें माइक्रो HDMI की ऑप्शन मिल जाती है। तो इसको फ़िलहाल जल्दी से बंद कर देते हैं हम लोग। और इस तरफ जो है आप लोगों को ये वाईफाई की जो है वो ऑप्शन मिल जाती है। इस तरफ बात करते चलें तो ये हम लोगों को जूम इन और जूम आउट की ऑप्शन मिलती है। इस तरफ जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस मिल सकती हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये ऑटोमेटिक के ऊपर है फिलहाल, और डिफरेंट हैं इसके अंदर फंक्शंस भी हैं, जो कि मैं आप लोगों को आगे वाली वीडियोज़ में चल के बताते चलूँगा, बिकॉज मैं भी इस कैमरे को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। अब कोल्ड शो माउंट की तरफ देखते चलें तो इसको भी ऐसे आप लोग रिमूव करके तो इसकी जगह जो है वो माइक्रोफोन, या फिर आप जो है वो लाइट जो लाइट होती है वो लगा सकते हैं। अब इस कैमरे के अंदर मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं उसमें किसी ने भी नहीं बताया कि इस कैमरे के अंदर फ्लैश लाइट आती है, बट इस कैमरे के अंदर मैं जब फर्स्ट टाइम जाके देखा उस शॉप के ऊपर, तब मुझे जाके पता चला कि इस कैमरे के अंदर फ्लैश लाइट भी आती है। सो अभी फ़िलहाल जल्दी से मैं आप लोगों को इस कैमरे के बारे में जल्दी से ये स्क्रीन के बारे में बता देता हूँ। तो ये मेन फंक्शन है इसका, जो कि फ्लिपेबल स्क्रीन, जिसकी मदद से हम लोग व्लॉग वगैरह इस तरह से कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपने आप को व्लॉगिंग के दौरान देख सकते हैं कि कैमरा मतलब हम लोग जो वीडियो है वो किस तरह की बन रही है, और फ्रेम जो है वो किस तरह का बन रहा है। इस तरह इसको आप लोग जो है वो इस तरह रोटेट भी कर सकते हैं, तो आप लोग डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है वो वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं। इसको फ़िलहाल मैं जल्दी से बंद कर देता हूँ। और इस तरफ आप लोगों को ये जो है वो IPS कहते हैं आई थिंक सो, बट इसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, तो आप लोग जो है वो खुद सर्च कर सकते हैं। जो बाकी की इस तरफ जो है हम लोगों को नीचे जो है मेन्यू का बटन मिलता है, इसमें जो है हम लोगों को जो लास्ट वीडियो हमने जो बनाई होगी उसकी जो है वो प्ले मिलेगा, जो आपने लास्ट क्लिप बनाया होगा। उसके बाद सेट की ऑप्शन मिलती है, राइट साइड पे आपको फ्लैश लाइट की ऑप्शन मिलती है, ऊपर की तरफ से आपको नीचे की तरफ आप लोगों को डिलीट की ऑप्शन मिलती है, ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस की लेफ्ट साइड पे ऑप्शन मिलती है, और ऊपर की तरफ आप लोगों को कंट्रास्ट जो है वीडियो का वो सेट करने की ऑप्शन मिलती है। इसी तरफ इधर जो है ऊपर वाला बटन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के बारे में मिलता है, और इन दो बटन्स के बारे में फ़िलहाल मुझे नहीं पता, तो जब मुझे पता चलेगा इंशाल्लाह आगे वाले रिव्यूज़ में मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। ये है शटर बटन आप लोगों का, ये रिकॉर्डिंग के लिए अलग से डेडिकेटेड जो है वो आप लोगों को बटन दिया हुआ है, जो कि आप लोग इधर जो है वो देख सकते हैं। सो अब बहुत मैनुअल फोकस और ये जो है वो आप लोगों को ऑप्शन मिल जाती है।
सो ये जो टोटल कॉन्टेंट्स हैं ये हम लोगों को इस बॉक्स के अंदर मिलते हैं, जिसमें एक कैमरा आता है, एक लेंस आता है 15 to 45 mm का, एक लिथियम आयन बैटरी आती है, एक चार्जर आता है जो कि कॉर्ड होती है, आप लोग मेन स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक आप लोगों को एक स्ट्रैप मिलता है और एक बैटरी का चार्जर मिलता है जिसके साथ आप लोगों को बैटरी चार्ज कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ कि मैं भी, आप लोग भी जो वीडियो ये देख रहा होगा वो भी कन्फ्यूज़ होगा बिटवीन GoPro Hero 9 और Canon M50, बिकॉज़ मैं एक ट्रैवल व्लॉगिंग करना चाहता हूँ और करता भी हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट जो साइज़ का कैमरा है वो चाहिए था। तो आप लोगों को अगर G7X Mark II भी एक कैमरा है, एक Canon 200D के भी एक कैमरा है जिसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, बट मुझे उन वीडियो से कुछ समझ नहीं आई, तो आखिर में लास्ट में मैंने यही वाला जो है वो सिलेक्ट किया, बिकॉज़ ये मिररलेस कैमरा था, 4K में भी रिकॉर्डिंग करता था और डिफरेंट जो है इसकी ऑप्शंस भी थी। तो बट जो मेरी जो कन्फ्यूजन्स है उसके बारे में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे चल के वीडियोस में बताऊंगा। तो आई होप कि ये मेरी आज की जो है वो अनबॉक्सिंग थी, आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिले। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है।